1 किलोमीटर ऊपर आ रखे हैं अभी हमको, मतलब 10 किलोमीटर और चढ़ाई चढ़ना है, तो हमारे पैर अभी से डगमगाने लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज है 19 अप्रैल 2020 और समय है लॉकडाउन का। लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी स्थिति में हम जो है जंगलों की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली लॉकडाउन शहरों के लिए ज़्यादा है, जंगलों की तरफ कम है, क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है, हालांकि वो तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है और जंगलों में अक्सर जो है बहुत कम आपको मिलेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग तो लाजमी है यहाँ पे होना। तो अपने मूल गांव से ऊपर की ओर आज हम जा रहे हैं, वहाँ पे उस जगह का नाम है ककरचा खाल। तो वहाँ तक जाएंगे और एक मंदिर है जहाँ पे मंदिर के दर्शन के बाद वापस आएंगे। तो लगभग कितना किलोमीटर होगा? लगभग अभी होगा 7 या 8 किलोमीटर। 7 या नहीं 7 तो ज़्यादा है, शायद कम होगा। तो चलो मिलते हैं आगे, काफ़ी लंबी चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई है, बीच में ऐसे ही कुछ गांव मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। जैसे कि ये आ चुका है मोल्टा, मोल्टा मोल्टा गांव स्टार्ट हो चुका है। और मैं तो आपको इंट्रोडक्शन करवाने ही भूल गया, अपने युवा साथियों का, अपनी टीम का जो अभी हमारे साथ है। और ऊपर जा रहे हैं मंदिर की तरफ, ककरचा चुरंडा होते हुए ककरचा। तो ये है हमारे साथ रूप सिंह रावत जी, ये आए हैं साउथ इंडिया से, स्पेशली कर्नाटका से। और हमारे दिग्गज साथी अरविंद रावत जी आ रहे हैं, अरविंद रावत जी। और है हमारे साथ छोटे भाई आशीष रावत काकू जी, ये बहुत तेज बोलते हैं। और ये है हमारे साथ चमन सिंह रावत, प्यार से इन्हें चमू बुलाते हैं। अब देखेंगे आगे कितना चढ़ेंगे, कहाँ पे थकते हैं, कहाँ पे रुकते हैं। साल हुए हैं तो यहाँ पे जो बड़ी गाड़ी नहीं आती है, छोटी छोटी गाड़ियाँ आती है, अपनी पर्सनल गाड़ियाँ आती है, तो यहाँ पे सर्विस गाड़ी नहीं है। मैंने रास्ते के लिए कुछ सामग्री लिए है यहाँ पे, क्योंकि आज पता नहीं हमको पानी वानी की सुविधा होगी या नहीं, तो इसके लिए हमने यहीं से सुविधा करके रखी है। हम बिना तैयारी के चले थे इसलिए। ये हमारे युवा साथी को पकने में अभी 10 से 15 दिन लगेंगे, तो उसके बाद इनका कलर येलो कलर के होंगे। तो इनको खाने में बहुत ही मज़ा आता है, तो इसको घर भी लेके जा सकते हैं आप, पर ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते इसमें, क्योंकि इनमें कीड़ा पड़ने चालू हो जाते हैं। और हमारे कुछ छूटे हुए जो साथी है बाल गोपाल, अभी आए हैं, 10 मीटर पीछे रह गए, 10 मीटर पीछे रह गए, हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे आगे जाके। हाँ, थोड़ा उनके लिए इंतजार करेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे। गहराई से 1 किलोमीटर ऊपर आ रखे हैं अभी हमको, मतलब 10 किलोमीटर और चढ़ाई चढ़ना है, तो हमारे पैर अभी से डगमगाने लगे हैं। लगभग 2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और हम पहली बार, हालांकि ये गांव से काफ़ी नज़दीक है ककरचा खाल और चुरंडा गांव के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। चुरंडा गांव एक मुस्लिम गांव है जहां पर सभी जो ग्रामीण हैं सब मुस्लिम हैं, और हो सकता है ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई धर्मांतरण किसी का यदि हुआ हो मुगल शासनकाल में, तो वहाँ से ये गाँव बसा हो, या हो सकता है कि उस वक्त कोई आकर यहाँ बसा हो और उसका जो वही पूर्वज हो इस पूरे गाँव का, कई कयास लगाए जाते हैं, लेकिन पूरी तथ्यात्मक जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है उस गांव की। तो जहां हम जा रहे हैं वो ककरचा खाल, उसके ठीक नज़दीक है चुरेंडा गांव, हालांकि चुरेंडा गांव पहले आता है, ककरचा खाल बाद में आता है। तो वहां जाना है और 2 किलोमीटर तक तो आ चुके हैं ऊपर, अभी काफ़ी ऊपर है जाने के लिए, फिलहाल सुता रहे हैं सब लोग। अभी जो है हम लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और ऊपर काफ़ी काफ़ी है अभी जाने के लिए, लगभग होगा 5-6 किलोमीटर और होगा। और बाकी साथियों का परिचय तो मैं आपसे करवा चुका हूं, लेकिन विशेषकर जो हमारे साथ खास मेहमान आ जाए हैं, हम प्यार से इन्हें रूप सिंह बुलाते हैं, लेकिन असली वैसे जो इनका नाम है वो रोनी है, रोनी कहकर इनको संबोधित किया जाता है। साउथ इंडिया से हमारे साथ जुड़े हैं ना, इन वाला नाड़ा है ना जंगल है जो मोर ब्यूटीफुल है ना नाड़ा है ना मंकी जो मोर मंकी है ना आओ आओ एंड नाड़ा अन्ना आई एम
angry. That is not water. Anna, what is this? What is this? Anna, this is a chinti. Anna, Anna, this is chinti. Yeah, yeah. The both are chinti. Anna, that is big brother. Yeah, yeah, yeah. This is big brother. She is. दो जो नए साथी जुड़े हैं, ये हैं अनुप्रावत जी, बिल्कुल अपनी पूरी स्टाइल में, फुल लुक में, और देव सिंह रावत जी। तो और ये जो दो हैं, ये इनको लेने गए थे अभी बढ़ते हुए आगे। आई एम नॉट गोइंग टू टॉप। और इस वक्त जो सबसे बड़े हमारे हमारा मनोरंजन कर रहे हैं और हमारा दिल बहला रहे हैं, थकान मिटा रहे हमारे रोनी भाई। जिस रास्ते पर हम जिस रास्ते पर आए हैं, उस रास्ते से यहाँ तक किसी ने स्कूटी अपनी लाई है और इसके अंदर उसको लॉक किया हुआ है। तो आप देखें, स्कूटी यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है और बड़ी हैरत की बात है कि इस रास्ते से स्कूटी लाई गई है और रास्ता बड़ा दुर्गम है और बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ तक स्कूटी लेकर आना और ऐसे सुरक्षित रखना। छोटा सा सफ़र है और शायद हम कगरचा खाल पहुंच चुके हैं या बहुत नज़दीक है, पता तो नहीं है क्योंकि पहली बार इस रास्ते पर आए हैं। और हालांकि यहां तक जो है सड़क तैयार हो रही रखी है और यहां पे वाहनों की आवाजाही भी होती है। बड़ी बड़ा कगरचा मंदिर ही है ना। अच्छा, कगरचा का दिखता है ना। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। कृपया जूते चप्पल यहीं पे उतारें। तो ये है कगरचा खाल का मंदिर, जिसके पास में बहुत ही अधिक आध्यात्मिक संतोष छुपा हुआ है और ये आप देख सकते हैं तमाम मंदिर यहाँ पे सब ने बना रखे हैं। जैसे कि यही है श्री लाल देवता जी मंदिर, ये किसी ने बनाया है और बाकी मंदिर भी ऐसे ही सब ने मिलकर बनाए हैं। तो ये जगह है कगरचा खाल, जहाँ से पहले एक आपको बात बताता चलूँ कि यहाँ से पहले जो पैदल मार्ग था इधर उधर जाने का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो यहीं से आवाजाही होती थी। हालांकि अब जब से सड़कों ने पहाड़ों में अपनी जगह बनाई है, तो तब से जो पैदल रास्ते हैं उनका इस्तेमाल, इनका उपयोग लगभग बंद हो चुका है। तो अब यहाँ पर सिर्फ कह सकते हैं कि जो सामान्य जो निवासी है आसपास के, उन्हीं का आना जाना है और जंगलों के लिए जो घास से लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते हैं उनका, वही आते हैं यहाँ पे, और बाकी अब इतना ज़्यादा नहीं है। और अब तो मंदिर अब बना है यहाँ पे, पहले ये पुराने जो यहाँ पे मंदिर आपको दिख रहे हैं पीछे, पहले यही होते थे, इनको मंडले कहा जाता है, मंडले होते थे और यही
पौराणिक है यहाँ पे, बाकी जो आधुनिक है वो सीमेंट से बने हुए हैं और नए तरीके से तराशे हुए मंदिर वो बाद में बनाए गए हैं। तो ये यात्रा यहीं कगरचा खाल के मंदिर तक थी और इसे आगे ये रास्ता है तो कुछ आगे तक हम जाएंगे और उसके बाद वापसी करेंगे गांव की ओर और